अगर मेरी छोटी बहन के गर्भ से कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, उस बच्चे के सहारे आपका नाम हो जाएगा, मेरा भी नाम हो जाएगा, अयोध्या का सिंहासन हरा भरा हो जाएगा, तो हमें निकाल दो। माताओं, आदेश दे दिया गया सुनीति को महलों से निकाला जाए। महल नहीं, एक झोपड़ी रखवा दी गई। और प्यारे भक्तों, मैया सुनीति के पास ऐसा समय आ गया, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, फटे पुराने वस्त्र मैया ने धारण किए हैं, गजी की साड़ी छीट का लेगा। शेर पर जौ दे दिए गए। देखिए माताओं, समय बदलने में कभी देर नहीं लगती। कोई पता नहीं है समय कौन सी मोड़ पर किसको खड़ा करके छोड़ जाए। सुनीति जब चली है माताओं, अपने पति के चरणों में मैया ने सर रख दिया, दो आंसू डाल दिए और एक बात कही, भगवान समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे। आपका कोई दोष नहीं है। समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे। समय पे बाढ़ रोग, समय सब रोग मिटाए। हो समय बढ़ावे खर्च, समय धनवान बनावे। समय पे होवे मिलन, समय पे छोड़ने करवावे। आज मैया ने कहा है, हे प्रियतम प्यारे, आपका कोई दोष नहीं है, दोष तो समय का है। आप मेरी छोटी बहन के सहारे अपना जीवन काट लेना और मैं भिखारनी बनकर के अपनी जिंदगी को यापन कर लूंगी। माताओं, एक बच्चे के लिए मैया को घर से निकाल दिया गया। देखिए झोपड़ी रखवा दी गई, झोपड़ी में मैया रहने लगी। माताओं, जब भूख लगती है तो जौ की रोटी कर लेती हैं। भूख न जाने रूखो भात, नींद न जाने टूटी खात। जौ की रोटी नमक रखकर के ग्रहण करती है माताओं। जो मैया 56 प्रकार के व्यंजन करने वाली, फूलों की सैया पर लेटने वाली, आज उस मैया को जौ की रोटी मिल रही है, नमक रख करके चार पाई नहीं बल्कि जमीन पर लेटती है। मम्मा, एक संतान के लिए, हमारे आपके लिए, एक माँ के हृदय पे कितना कष्ट। एक दिन का जिक्र है, आधी रात्रि का समय था। मैया ने सोचा, ऐसे जीने से क्या होगा, कोई दासी भी नहीं आती, पति भी हमारे पास नहीं आते, इससे अच्छा यही है कि मुझे मर जाना चाहिए। आधी रात्रि का समय था माताओं, आज मैया जो रहे झोपड़ी को छोड़ करके मरने के लिए जा रही है। समय वो दुखिया मरवे